गांधी जी ने अहिंसा से देश को आजाद कराया, इतना तो हुआ कि हथियार नहीं उठाए उन्होंने। और हिंसा हुई ठीक है, भगत सिंह वगैरह के मन में भी था रहा होगा जज्बा जो है देश के आजाद कराने का, नहीं विश्वास हुआ होगा हिंसा पर, अहिंसा पर। लेकिन कुल मिलाकर कहा तो यही जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़े बिना दाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, तो अहिंसा से देश आजाद तो हुआ है। बहुत सारी चीजें जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बनता है वो तंत्र है, और जो हाथ है उसका धर्म का वो जो है वो तत्व है। तो हम लोग तंत्रों में फंसे हैं, तत्व छूट गया है। यदि कानाई हो तो मुसलमान है, जिसका ईमान हुआ है मुसलमान। ईमान जो है कुरान का सार कहा जाता है, दया करना है। हिंदुओं में भी बहुत सारे तंत्र हमने भेद दिए हैं। यदि हमारा ज्ञान कहा जाए कि मूल है हमारा ज्ञान, गीता की किताब बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है, और गीता जो है ज्ञान की पुस्तक, गीता ज्ञान की पुस्तक है, कुरान ईमान की पुस्तक है। ज्ञान और ईमान ये धार्मिक किताब नहीं है, ये जो है ज्ञान और ईमान की किताब है। ज्ञान और ईमान दोनों को चाहिए, मनुष्य मात्र को चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की किताब नहीं। गांधी जी ने एक जगह जब कह दिया कि सत्य ही ईश्वर है, तब मुझे बड़ा सुकून मिला। दुनिया में बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी लोकतंत्र के लिए। अपने देश में क्या हुआ कि आजादी मिली, आजादी के लिए संघर्ष हुआ था, लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं हुआ है। अपने देश देश आजाद हुआ है और जनता मालिक हो गई है, केवल आजादी नहीं है मालिक, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन हम मालिक को तो अपना हक समझना पड़ेगा, अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा, लोकतंत्र का मतलब समझना पड़ेगा, आपस में अपनापन समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो है सत्य अहिंसा सब समझने की नौबत आएगी। तो वो जो है हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस से कि तुम लोग लोक सेवक संघ में परिणित हो जाओ, सत्ता में मत जाओ। नहीं, मेरा संदेशा तो यही है, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां आती भी हों तो उन्हें सहन करना चाहिए, झेलना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आगे। क्या बात है, मेरे मन में हमेशा होता है जी कि यदि हमने तय कर लिया कि हमको पूरा चलना है, तो जो भी बहुत काटा है, बहुत कुछ है, बड़ी कठिनाई है, जाना बड़ा मुश्किल है, रास्ता है नहीं घर, लेकिन यदि हमने पूरा मुंह किया जी तो पश्चिम करने से बच जाएंगे।